दोस्तों आज की वीडियो में आपको कैशियर के कुछ ऐसे पांच इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपको कैशियर जॉब 100% दिलवाने वाले हैं। अगर आप बिग बाजार में कैशियर जॉब चाहते हो या फिर रिलायंस में कैशियर जॉब चाहते हो लेकिन आप कैशियर इंटरव्यू में पास नहीं कर पाते हो, इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हो, आपको पता नहीं है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसकी वजह से आप जाते हो इंटरव्यू देने और वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हो और आप रिजेक्ट हो जाते हो या फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है या फिर आप कभी इंटरव्यू देने वाले हो, तो आज मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं उस क्वेश्चन का अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो तो आपका 10% कैशियर में आपका जॉब हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार और मैं 2 साल एचआर रिक्रूटमेंट में रह चुका हूं फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस में, और मैंने बहुत सारे ऐसे हायरिंग्स करवाए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पांच ऐसे कैशियर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, साथ में उसका आंसर भी बताने वाला हूं जो कि आप प्रिपरेशन करके जाओगे तो आप कैशियर इंटरव्यू 100% क्रैक कर लोगे। तो दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको सबसे पहले फॉर्मल ड्रेस में जाना है, जो कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं। दोस्तों यहां पे कैशियर के इंटरव्यू में पांच ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में कुछ चीजें हैं वो आप बताइए, उसके बाद आप पहले कहीं जॉब कर चुके हो या फिर नहीं किए हो, वो सारी चीजें पूछी जाएगी जो कि नॉर्मल हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेकिन अब मैं आता हूं प्रश्न नंबर 1 जो कि कैशियर के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पे जो प्रश्न नंबर 1 है वो है, एक कैशियर अच्छा कस्टमर सर्विस कैसे दे सकता है। बेसिकली कैशियर जो होता है एक एम्पायर होता है, कोई भी चाहे मॉल्स हो या फिर रिटेल सेक्टर हो या फिर बैंक हो, एक कैशियर जो होता है एक एम्पायर होता है, एक नींव होता है। तो यहां पे कैशियर के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि आप एक कस्टमर सर्विस कैसे दे सकते हो, क्योंकि कैशियर का इंटरेक्शन जो होता है डायरेक्ट कस्टमर से होता है। चाहे अगर मान लो कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो वो बिलिंग के लिए जाता है तो कैशियर के पास ही जाता है। तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कैशियर होने के नाते आप एक कस्टमर को कैसे अच्छा सर्विस जो है वो प्रदान कर सकते हो। तो इसमें आपको आंसर क्या देना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इसमें आंसर देना कि आपको ग्राहक के महत्वों को समझना है, ग्राहक की हर बातों को सुनना है और यहां पे ग्राहक को सेटिस्फाई करना है। ग्राहक का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सुधार सकते हो, उसको सोल्व करने की आपको 110% कोशिश करना है। इसका आंसर सटीक और यही देना कि आप ग्राहक के भावनाओं को समझोगे, ग्राहक क्या बोलना चाह रहा है उसके बारे में समझोगे और उसकी जो भी परेशानियां हैं उसको आप दूर करो। दोस्तों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप कैशियर के रूप में जो पैसे आपको प्राप्त होंगे उस पैसे को वापस गिनने में कितना सहज महसूस करोगे। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसका क्वेश्चन बताऊं तो अगर आप कैशियर बनते हो, अगर मान लो किसी 50,000 का किसी का बिलिंग हुआ या फिर 1,00,000 का होता है, कोई आपको पैसे देता है तो आप उस टाइम कैसा महसूस करोगे। बहुत सारे लोग पैसे देख के उनका नियत भी डोल जाता है, तो वही यहां पे पूछा जा रहा है कि आप पैसे देख के आप कैसा महसूस करोगे। तो यहां पे जो आपको आंसर देना है वो आपको क्या देना है देख लेना, सुन लेना सही से, ठीक है। ईमानदारी के साथ काम को करना, ठीक है। आपको बोलना है कि सर अगर आप मेरे पास 10,00,000 रुपए भी कोई देता है तो मैं ईमानदारी के साथ काम को करूंगा, पैसे को संभालने का अनुभव मैं रखूंगा। अगर मान लो कि आपके पास मान लो कि 10 गड्डी 500 का दिया जाता है तो उसको सही से गिनना है, उस पैसे को संभाल के रखना है, ये ना कि लालच। बहुत सारे लोग के मन में लालच आ जाता है जो कि कैशियर एक ऐसा पोजीशन है जहां पे आपको करोड़ों रुपए भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है ईमानदारी के साथ काम करना है। और दोस्तों यहां पे जो तीसरा आंसर आएगा वो ये आएगा कि कैश रजिस्टर को आपको सही से मेंटेन करना है। मान लो जितना भी बिलिंग होता है तो बहुत जगह जो होता है वो रजिस्टर पे मेंटेन होता है या फिर एक्सेल में मेंटेन होता है, तो उसको आप मेंटेन करके रखोगे। ये तीनों आपको आंसर वहां पे देने हैं। दोस्तों यहां पे जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कैशियर होने के नाते गलतियों को रोकने के लिए विस्तार पर ध्यान देने और ध्यान देने की आवश्यकताएं होती है, काम के दौरान आप कैसे काम पर ध्यान दोगे। अब देखो कैशियर का एक ऐसा जॉब होता है जहां पे आपको थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी पड़ती, नहीं तो कंपनी का लॉस जाता है या फिर आपका भी लॉस जाता है, आपकी भी सैलरी से पैसे जो है डिडक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कैशियर का जॉब करते हैं लेकिन कैशियर के जॉब में किसी का कॉल आ गया तो वो बिलिंग भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और फोन पे भी बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ध्यान भटकाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि आप कैसे काम पर ध्यान दोगे। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर बताना है कि सर मैं काम करते वक्त कोई भी अलग चीजें नहीं करूंगा, मेरा जो सारा जो काम जो होगा, मेरा जो सारा जो शरीर होगा, आत्मा होगा, वो काम के प्रति समर्पित होगा। काम के अलावा मैं किसी और चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं कहीं फोन पे बात नहीं करूंगा, ये चीजें नहीं करूंगा, नहीं तो कंपनी का भी लॉस जा सकता है, आपका भी लॉस जा। दोस्तों यहां पे जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाए कि आप कैशियर ही क्यों बनना चाहते हो, और भी पोस्ट बहुत सारे लेकिन आपको कैशियर में ही क्यों रखा जाए, आप कैशियर क्यों बनना चाहते हो। तो यहां पे आपको सिंपल सा आंसर देना है कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, नए नए लोगों से बात करना चाहता हूं, मेरे को जो है कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो सही से है और मैं हर चीजों को जो है कैशियर के पद को सही तरीके से संभाल सकता हूं। सिंपल सा आंसर देना, इसमें कोई घुमा फिरा के कोई ज्यादा चीजें ऐड करके इसमें
आंसर नहीं देना है। अब यहां पे दोस्तों पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो सबसे मेन आता है, जो कि कैलकुलेशन से भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि कैशियर में अगर आप जाते हो तो आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। कैशियर का जो पद होता है वो ज्यादातर मैथमेटिक्स से ही डिपेंड करता है, क्योंकि कैशियर यानी कि पैसे का गिनना, आदान प्रदान करना। तो यहां पे पांचवें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर मान लो कोई कस्टमर 5000 रुपए का सामान परचेस करता है, ठीक है, वो आपको 2000 का 3 नोट देता तो आप उसको कितने पैसे रिटर्न करोगे? तो आपको तुरंत जो है सटीक तरीके से आंसर आपको बताना, ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के नहीं बताना है, और सही तरीके से बताना है, और थोड़ा सा मैथ जो है अपना बरियार करके रखना, जोड़ घटाव गुणा भाग जो है वो थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, क्योंकि कैशियर का इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तो आपका जो मैथ है वो सही होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा भी हो तो चलेगा, लेकिन मैथ आपका कैलकुलेशन जो वो सही होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर कंपनी का पूरा दारोमदार है। और अगर मान लो आप कैशियर जॉब में अगर थोड़ी सी भी गलती करते हो, किसी को अगर मान लो 50,000 रुपए ज्यादा फेर दिए, ट्रांजेक्शन ज्यादा कर लिया, फिर किसी से आप पैसे लिए ही नहीं, तो फिर आपका जो है आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको खुद उस पैसे को चुकाना पड़ सकता है, या फिर कंपनी को ये पैसे चुकाना पड़ सकता है, और कंपनी अपने तरफ से पैसे कभी नहीं चुकाती है, वो आपसे ही पैसे जो है वो डेबिट करेगी, चाहे वो 10 साल आपसे काम करवा के ले, कैसे करवा के ले। तो दोस्तों ये कुछ 5 क्वेश्चन थे जो कि कैशियर के इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, और अगर चैनल पर नया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।